छोटू जरा खड़ा हो, पीछे पीछे देखियो कोई ना करे ढंग से, तो पैर ना मोड़े किसी को, पैर ना मोड़े, देखियो जरा घुटने नहीं मोड़ने चाहिए, एकदम पकड़ रहने चाहिए पैर बिल्कुल। चेंज अदर लेग राउंड मारता है छोटे, ओए राउंड मारता है, देखता चल जरा चेंज, चेंज, है। चेंज, चेंज हाथ को पीछे टच करना, देखो जरा सुनो क्या हो रहा है, देखना एक दिन भगया छोड़ के तुम क्रिकेट हम कह रहे 100 मारते रहो यार, 4 फिजिकली फिट नहीं हो तो अनफिट हो, तुम बाहर बैठा दो यार खेलने का फायदा क्या है। कैंप काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और मेरे साथ पेरेंट्स भी खूब आए हुए हैं यहाँ पे। अभी मेरे साथ सौभाग्य, कल काफ़ी उन्होंने अच्छी बैटिंग की है तो सौभाग्य की मम्मी से जानते हैं सौभाग्य के बारे में। वो बॉलर बनना चाहते हैं मीडियम, तो आपको कैसे CWT का पता लगा, कैसे वो सिलेक्ट हुए, अब हम पूरी डिटेल जानना चाहते हैं एक बार आपसे। एक्चुअली मेरा बेटा जो है अवध एकेडमी से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से टॉपिक सर से पता चला और हमारे मैनेजर भी वहीं से जुड़े हुए हैं, वहीं से हमें पता चला। CWT का स्लोगन बताएंगे मैडम आप एक बार? मेरी बेटी मेरा पहचान, बेटा बेटी एक समान। जी मैम बहुत खूब, तो सौभाग्य अभी काफ़ी अच्छा कल बॉलिंग किया उसने, कल बहुत अच्छी बॉल डाली, तो कल रात को आपने उसे कुछ और अच्छी टिप्स दी कि आज कितना अच्छा खेलना है, किस तरह से बॉल डालना है, कल 2 विकेट थे आज 2 को 4 में बदलना है? हाँ सर, बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल रखना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है तभी आप कुछ कर पाते हो, और बैटिंग कल नहीं कर पाया था तो बैटिंग के लिए भी बोला कि उस पर भी थोड़ा फोकस करें और बैटिंग के लिए करें, क्योंकि ऑलराउंडर बनना है तो फील्डिंग बैटिंग एवरीथिंग। जी मैम ये बहुत अच्छी बात है कि आप सारे काम छोड़कर अपने बच्चे के साथ मोटिवेट करने उसे आप अपने साथ लगी हुई हैं, अपने सारे काम छोड़कर, और वो भी आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। अभी तो उसको बहुत कम टाइम है, 2 महीने एकेडमी ज्वाइन किया और इतने में अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो आगे और अच्छा जाएगा वो। थैंक यू मैम, जरूर जाएगा। ओके मैम थैंक यू। जी हाँ, मेरी बेटी मेरी पहचान, बेटी बेटा एक समान के तहत CWT टैलेंट हंट कैंप का दूसरा दिन चल रहा है आज। दोनों ही टीमें, चारों ही टीमें रेडी हैं, कल 2 जीती थी 2 हारी थी, आज भी कुछ वैसे ही होगा, लेकिन हारने के बावजूद जो जीतते हैं उसे बाजीगर कहते हैं और आज ऐसे ही कुछ देखने वाले हैं। और मेरे साथ हैं कैलाश प्रसाद जी, इंटरनेशनल ICC PC टीम के वाइस कैप्टन हैं ये कैलाश सर, और ये CWT जो कैंप का है, CWT के मेंबर हैं ये, तो इनसे आज जानते हैं इस पूरे कैंप के बारे में, आज के दिन के बारे में। इंटरनेशनल प्लेयर हैं, करंट स्क्वाड खेले हैं ये, अभी करंट जाने वाले हैं बांग्लादेश में भी इंटरनेशनल मैचेस खेलने के लिए अपने ICC PC के। तो कैलाश सर, तो कैसा चल रहा है कैंप, क्या कुछ आज नया देखने वाले हैं हम? मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बॉयज़,
हाँ सर, मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है, कम से कम मैंने आगरा में ये कैंप ऑर्गेनाइज किया CWT का। CWT से जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ किस चीज़ से जुड़ चुका हूँ। वैसे इंटरनेशनल टूर्स हमने काफ़ी किए हैं, बहुत अच्छा किया है सर बाहर जा करके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरे आगरा में आकर के, हालांकि मैं डिसेबल होने के बावजूद भी इस समय इस पोजीशन पे हूँ कि मैं नॉर्मल प्लेयर्स मेरे यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं उनको टिप्स वगैरह दे रहा हूँ। मेरी टिप्स से बच्चे भी खुश हो रहे हैं, उनको लग भी रहा है, तो बच्चे भी ये समझ रहे हैं कि हम सर के साथ में रह करके हम बहुत कुछ सीख रहे हैं सर से। जो एक डिसेबल प्लेयर वो भी नहीं लग रहा है कि उनको हमारे सामने कौन है, लेकिन मैं बहुत अच्छा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं CWT से जुड़ चुका हूँ। नहीं सर, डिसेबल है तो ऐसी कोई बात नहीं, क्रिकेट क्रिकेट होता है। हमने आपकी वीडियोस देखी है, आपके मैचेस देखे हैं, लगातार 3-3 छक्के लगाए हैं आपने, तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप डिसेबल हैं। हमें भी एक तरह से, हम भी इम्प्रूव होते हैं और हमें भी एक ऐसी मोटिवेशन मिलती है, तो बच्चों को तो और इससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आप। तो ये CWT के तहत आप कब से जुड़े सर? CWT के तहत मुझे जुड़े हुए करीबन 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन 4 महीने का बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है CWT की तरफ से मेरे पास, क्योंकि मैं CWT का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि मैं उनसे टच जुड़ने का मौका मिला मुझे। हालांकि हम काफ़ी जगह से, कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, लेकिन CWT ने जो इम्प्रूवमेंट किया है आगरा के लिए, क्रिकेट के लिए, बहुत अच्छा किया। और अभी जो आगे जो मैचेस होने हैं CWT के, जो कि मेन मैचेस हैं, उनके लिए जो नीलामी वगैरह होनी है प्लेयरों की, वो भी आगरा से ही होगी स्टार्ट है। जो कि हम ही जिस समय जहाँ पे होटल्स में अभी बच्चे रुके हुए हैं, सब कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह जो एक इंटरनेशनल प्लेयर को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, वो हम बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। बच्चे सब के सब एकदम ऐसा लग रहा है कि बच्चों को कि हम लोग कहाँ के आ गए। जी बिल्कुल, वही पूरा टूर्नामेंट आपने संभाला हुआ है, ऑन फील्ड ऑफ फील्ड से लेकर हर चीज़ तक, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने जिस तरीके से हैंडल किए हुए हैं वाकई काबिल तारीफ है सर। सर थैंक यू। और सबसे बड़ी बात तो मैं दोबारा से शुक्रिया गुजारिश है मेरी, तो जो कि मेरे CWT से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि CWT का नाम इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर बाय द वे कोई सोचेंगे कि CWT का बात काफ़ी ज़्यादा नाम लिया जा रहा है, लेकिन CWT का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कैंप आगरा में ऑर्गेनाइज़ करवाया उन्होंने, और जो कि मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मेरा कैंप है, मेरा जो CWT का कैंप है वो फर्स्ट मेरे आगरा में ही लगा हुआ है। आज से पहले मैंने ट्रायल्स वगैरह बहुत लिए हैं, CWT के भी ट्रायल लिए मैंने, और नॉर्मल प्लेयर्स के भी काफ़ी ट्रेनिंग ट्रॉफी के भी ट्रायल लिए मैंने, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है जो कि उनके ट्रायल्स में और इनके ट्रायल्स में जमीन आसमान का फ़र्क ये है, क्योंकि वो काफ़ी लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब इनका ये है कि अभी ये इनकी फर्स्ट CD है, स्टार्टिंग है, तो जैसे ही अपनी धीरे धीरे करके CD टॉप लेवल पर पहुँचेंगे, तो हम आज जो कि आप हमारे यहाँ पे आज कैंप में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, आगे से इन्हीं चेहरों में से कोई ना कोई इंटरनेशनल इंडिया टीम में पार्टिसिपेट करेगा। सर जानना चाहते हैं इस टैलेंट हंट के बारे में, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया, कहां कहां से बच्चों को पिक किया? यहां से मेरे आप काफ़ी पूरे इंडिया से बच्चे आए हैं, अभी मान लीजिए कैलकाटा से हैं, देहरादून से हैं, अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से प्लेयर आए हैं, काफ़ी प्लेयर आए हैं यहाँ पे, करीबन 65 प्लेयर्स हैं, जो कि काफ़ी बहुत मुश्किल होता है कैसे, क्योंकि हर जगह से प्लेयर आता है और सबको कोई किसी की कैसी भाषा है, किसी की क्या लैंग्वेज है, सबको मैनेज करने के लिए बहुत काफ़ी वो माइंड लगाना पड़ता है कि क्या बच्चा क्या बात कर रहा है, लेकिन हमें तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आदत है क्योंकि सब ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया और ऑल वर्ल्ड में घूमते रहते, तो हमको सब पता है कि बच्चा क्या प्रोवाइड क्या मांग रहा है। जी बिल्कुल, एक तरह से वो इंटरनेशनल फीलिंग ले रहे हैं, एक तरह से ऐसे माहौल में ढल जाएंगे, ऊपर की क्रिकेट में ढल जाएंगे। तो सर इस कैंप के बारे में बाद आप क्या करने वाले हैं? कैंप के बाद में जो अच्छा परफॉर्मेंसर होंगे, अपने जो बैट्समैन होंगे, जो बॉलर होंगे, उनके लिए जो आगे के लिए जो हमने सबको शेड्यूल बना रखा है, जो अच्छे बैट्समैन और बॉलर जाएंगे वो सीधे की नीलामी के लिए उनको नाम प्रोवाइड किया जाएगा, कि जो कि आराम से वो बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ने अभी पहले से ऐसा माहौल नहीं देखा है, ये माहौल उनको फर्स्ट टाइम मिला है, और फर्स्ट टाइम में इतने बच्चे इतने खुश हैं कि मैं उनको कुछ नहीं बता सकता। आप खुद जा करके आगे से इंटरव्यू ले लीजिएगा बच्चों का, बच्चे आपको सबका सब बयां कर देंगे अपने मुँह से। जी बिल्कुल, तो CWT सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि ये क्रिकेट का बच्चों में बढ़ावा देती है, और जो बच्चा अच्छे से परफॉर्म करता है उसे हर चीज़ फैसिलिटी अपनी तरफ से प्रोवाइड करती है, एक तरह से बच्चों को स्पॉन्सर करती है, उनका सारा खर्चा उठाती है, सिर्फ बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। या बच्चों को परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, वो सब कुछ मैनेज करना है कि कैसे क्या बच्चा क्या कर रहा है। सबसे अहम बात होती है उनका डिसिप्लिन, उनकी लैंग्वेज, सिर्फ वही जैसे क्रिकेट को बोला जाता है कि जेंटलमैन गेम,
ये गेम ही जेंटलमैनों का है, अगर क्रिकेटर ही बदतमीजी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है उसको। ये उनको यही सिखाया जाता है, सबसे फर्स्ट यही सिखाया जाता है होटल्स में कि आपको बेटा ये करना है, सब कुछ मैनेज करना है किसी से जो आप साथ में खेल रहे हो। आज मान लीजिए आप विरोधी टीम में हो, आपको उनसे बहस हो जाती है तो बिल्कुल गिल्टी फील मत करना, सीधे आकर के उनसे गले मिलो, तो चाहे आपको चाटा भी मार दे कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा गाल सामने कर दो कितना मारेगा। यही है कि हमारा कम से कम जो अच्छा चल रहा है वो चलते रहेगा। और आपकी आगे से जो भी अभी जो मेरी बात हुई है सी डब्ल्यू टी से, उन्होंने जो हमें बताया है कि आगे से जो आगे के जो मैचेस हैं वो सारे के सारे यहीं पर कराएंगे। सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, सी डब्ल्यू टी का शायद मुझे पूरी बात पता नहीं थी कि आपने एक बच्चे काफ़ी टैलेंटेड थे लेकिन वो काफ़ी गरीब थे, तो उस बात पर आप एक बार बताएंगे हमें डिटेल से। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो पुअर फैमिली से होते हैं, और काफ़ी हमने देखा था, एक लड़की मेरी भी है वो भी काफ़ी पुअर फैमिली से, वो उसको सी डब्ल्यू टी ने सब कुछ उनको क्रिकेट वगैरह सारा का सारा पूरा सामान प्रोवाइड कराया, उनसे एक रुपया तक नहीं लिया है। क्योंकि बेटी हमारा मोटिव ही बेटी बचाना है, हमारी बेटी बेटी बचाए एक समान है, तो यानी कि सबसे बड़ी बात है। जैसे कि काफ़ी लड़के पेरेंट्स रोक लेते हैं बेटियों को कि नहीं आप सिर्फ आप खाना बनाइए और पढ़िए, पढ़ने भी नहीं जाने देते हैं, तो खेलने की तो बहुत बड़ी बात है कि लड़कों के बीच में भेज रहे हैं। अभी एक मेरी भी बच्ची है, मेरी भी बच्ची क्रिकेट में ही है, अभी छोटी है करीब 12 साल की है, अभी भी धीरे धीरे वो क्रिकेटर ही बनेगी वो, क्योंकि जब मैं एक ऑफिशियली मैं क्रिकेटर हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी क्रिकेट में डालूंगा, लेकिन मैं वो बच्चों को अपने को रोकूंगा नहीं, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे होते हैं पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा हल्के सोचते हैं कि समाज के बारे में समाज क्या कहेगी, लेकिन अगर ठान ले। अभी आप देख लीजिए आपके हरियाणा में दंगल मूवी का जो हुआ था फोगाट जी का, वो एक रियल की ही कहानी है। मान लीजिए समाज क्या कहती है, उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी बेटियों को आगे प्रमोट करना है, आगे तक ले जाना है, क्रिकेट में अपना नाम करना है, तो अगर बच्चियों को अगर ऊपर नहीं भेजेंगे तो कोई मतलब नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब लग रही है आप, आपकी ईश्वर आपकी मनोकामना सारी पूरी करे, और ऐसे ही देश में हमारे बेटियों को सम्मान बढ़ाते रहिए क्रिकेट में और बढ़ोतरी करते रहिए। अलविदा लेते हैं आपसे एक सी डब्ल्यू टी की लाइन के साथ। सर मैं एक बात और कहूँगा कि जो अभी मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ, इस काबिल पहुँचा हूँ, मैं सिर्फ एक ही शख्स के काबिल पहुँचा हूँ, वो है मिस्टर हारून रशीद सर। हारून रशीद सर जो आगरा से हैं, मैं मेरे फादर भी काफ़ी मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा पूरी फैमिली सपोर्ट करती है मुझे, अगर मैं फैमिली सपोर्टेड नहीं मिलता तो मैं आज इस पोजीशन में नहीं होता। दूसरे जो मेरी इस पोजीशन पे लाने वाले भी हारून रशीद सर हैं, जो कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हारून रशीद सर डिसेबल स्पोर्टिंग सोसाइटी के डायरेक्ट सेक्रेटरी हैं और ICCPC के वाइस चेयरमैन भी हैं, ICCPC इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिजिकली चैलेंज। ओके सर, एक बार अब लाइन से सुनना चाहते हैं हम ये सी डब्ल्यू टी की स्लोगन लाइन, मेरी बेटी मेरी पहचान, बेटी बेटा एक समान। बहुत खूब सर, तो ये थे इंटरनेशनल क्रिकेटर ICCPC के वाइस कप्तान कैलाश प्रसाद जी। अभी सी डब्ल्यू टी का कैंप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कैंप चल रहा है, कल का दिन काफ़ी अच्छा रहा और आज सब कुछ रेडी है, सूरज निकल चुका है, ओस हट चुकी है ग्राउंड से, चारों टीमें एक्सरसाइज वगैरह करके सब फिट हैं। अब मिलते हैं आप टॉस पे।